बार की बात है, गांव के पास एक बड़ा झील बसा हुआ था। उस झील के किनारे एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे एक गरीब किसान रामलाल अकेले बैठा हुआ था। वह थका हुआ था और उसकी आंखों में उसकी मेहनत और गरीबी की कठिनाइयों का आभास था। जीवन के अनेक परेशानियों के बीच रामलाल को अपनी गरीबी के लिए चिंतित होते हुए देखा जा सकता था। धीरे धीरे ध्यान देते हुए रामलाल ने कहा, हे भगवान, मेरा क्या होगा? मेरे पास इतना कुछ नहीं है, मैं और मेरा परिवार भूखे मर रहे हैं। जब वह इस तनाव में था तो अचानक उसने अपने सामने कुछ चमकते हुए आभूषण देखे। वह चौंक गया और उन्हें निकटतम देखने के लिए आगे बढ़ा। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ सोने के सिक्के पड़े हुए थे। रामलाल ने अपने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर भी उसने अपनी हाथों में उन सिक्कों को लिया। वह उनके साथ खेलने और उन्हें देखने लगा जैसे कि वह जादूगर के जादू की कहानियों में सुनता था। तभी एक मेढक उसके सामने उभरा। रामलाल को अचानक उसने देखा और चौंक गया। आपने मेरा धन देखा? मेढक ने गर्व से पूछा। रामलाल ने हैरानी से उसको देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन आप एक मेढक हैं और आपके पास सोने के सिक्के कैसे हो सकते हैं? हाँ, मैं एक जादुई मेढक हूँ, मेढक ने कहा, और मैंने तुम्हें धन देने के लिए उस जादुई सिक्के का उपयोग किया है। रामलाल को ये समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि यह एक सबक हो सकता है। मैं तुम्हारे दुख को देखकर दया किया, मेढक ने उत्साह से कहा। तुम्हारी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। रामलाल ने मेढक की बात मानी और उसके साथ सहयोग किया। उसने अपनी गरीबी से निकलकर अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। इसके बाद से रामलाल का जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह अपनी गरीबी से बाहर निकलकर एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीने लगा। और मेढक ने उसे एक नई उम्मीद और साहस दिया।